हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसे आप किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं। इसी में जब आप अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालें तो इसमें 5-7 फंदे डाल लेना। तो ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई में फंदे डालना और 6 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए। इसमें 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा और 3 स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि ये हमारी सिलाई में आ जाता है और हमारा जो हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं वो बराबर बनता जाता है। तो स्टार्टिंग में आप अपना बॉर्डर बना लीजिए। मैं आपको फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन स्टार्ट करके बताती हूँ। ये देखो, ये हमारी स्टिच, इसको ऐसे ही उतारेंगे। ये 2 फंदे सीधे, अब देखो ये 1, 2, 3, ठीक है, और ये 4, ये अपना चौथा फंदा है। जो इन देखो चौथा फंदा है ना, इसके बीच में, फंदे के बीच में, ना कि फंदों के बीच में, ठीक है, फंदे के बीच में डालना हमें। यहाँ से एक लूप निकालनी है, फंदा निकालना है यहाँ से। ये फंदा जो है ढीला ही रखना, ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो हमारा डिज़ाइन, हमारा स्वेटर, ये पार्ट जो हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 फंदे सीधे बनाऊंगी। और जो ये हमने बुना था ये फंदा भी ऐसे ही गिरा देंगे। आप ध्यान से देखना, ये 1, 2, 3, ठीक है, और इस 3 फंदे छोड़ के हमारा 4th फंदा है उसके अंदर से निकालना है हमने, और एक फंदा बुनना है। ये 3 फंदे छोड़ के चौथा फंदा, ठीक है, ये बीच से हमें बुनना है। इसको ढीला ही रखना, और जो आगे के जो हमने छोड़े थे वो फंदे यहाँ पे बुनने हैं सीधे। ये 1, 2 और ये 3, और जो ये फंदा हमने पहले बुना था इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो 1, 2, 3, 3 फंदे, 3 फंदे इसमें हम छोड़ के चौथा फंदा जो है उसमें से हम इसको निकाल लेंगे सिलाई को, और एक फंदा बुनेंगे ऐसे पीछे से, सीधी साइड से, सॉरी उल्टी साइड से, यानी कि हम जब सीधी सिलाई बनाते हैं तो सीधी सिलाई बनानी है, ठीक है, ऐसे निकालेंगे और ये छोड़ देंगे, ठीक है, ढीला रखना ये। इसमें अभी 3 फंदे ऐसे ही बनाएंगे, और जो ये हमारा फंदा था जो हमने पहले बनाया था उसको ऐसे ही गिरा देंगे। इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हमें यहाँ इसमें 2 फंदे बचे हमारे, इनको हम सीधा ही बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी डिजाइन की सेकंड सिलाई, तो इसमें हम जो ये लास्ट में हमें 2 फंदे बचे थे ये हमने सीधे बुनने हैं। अभी हमारी डिजाइन की सेकंड सिलाई, पीछे से बैक साइड से हमने स्टिच ऐसे बनाया, और ये 2 फंदे उल्टे। अभी देखो ये 1, 2, 3, ठीक है, 3 फंदे छोड़ के 4th फंदा, ये हमने ये बनाना उल्टा ही है, पर देखो हम इसमें तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फंदे में डालते हैं, पर जो 4th फंदा है उसमें हम ये आगे से डालेंगे, यहाँ से ये आगे ना ये फंदे में, और इसको उल्टे साइड से ही बुनेंगे। सिलाई हमने सीधी डालनी है सीधे तरफ से, और बुनना हमें उल्टी तरफ से है, और ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। यस, और इनको छोड़ देंगे, जो बुना है उसको भी छोड़ देंगे। अभी दोबारा से देखना, जो ये 3 फंदे हैं 1, 2, 3, ठीक है, इनको छोड़ के ये हमारा 4 चौथा फंदा है जो, उसको आगे की तरफ से देखो, ये आगे की तरफ से इसको उल्टा बुनना है,
ऐसे डाल के सिलाई को, ये फंदे के अंदर से डाला हमने, ये फंदा बुना है, ठीक है, बुनना है, उल्टे साइड से बुनेंगे ऐसे और सीध निकालेंगे सीधी साइड से। ये इसको थोड़ा ढीला रखना, और अब ये थ्री फंदे उल्टे ठीक है, और ये हम इस फंदे को गिरा देंगे। इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह जिग चेक से बनते इसमें चले जाएंगे एक चोटी की तरह, ठीक है। तो अभी इस बात का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हम ये थ्री फंदे बुनेंगे। ये है तो टू रो का ही डिज़ाइन, पर स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये देखो, ये स्टार्टिंग में हम ये दो फंदे, एक फंदा तो एस स्टिच का और दो फंदे एक्स्ट्रा, ठीक है, ये थ्री फंदे हैं, और जो लास्ट में बचेंगे वो टू फंदे बचेंगे ये वाले, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी से हमारा जो डिजाइन है वो बैलेंस बनाता बनता चला जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे ही हमारे थ्री फंदे हैं, ठीक है, ये थ्री फंदे हैं ना, इनको तो हमें छोड़ना है। एक बार तो दिक्कत पड़ेगी, अगली बार जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनता जाएगा तो आप है ना, देखो ये थ्री फंदे हैं, इनको छोड़ के जो ये नेक्स्ट वाली चोटी है, नेक्स्ट वाला जिग जैग है, उसका फर्स्ट फंदा लेना, ये वाला फोर्थ वाला, ठीक है, यहाँ से बनाना। एक बार में तो बस तीन फंदे छोड़ के चौथे फंदा हमें ऐसे ही बुनना है जैसे मैंने ये यहाँ पे बुना है। और जो आगे से एक दो सिलाइयाँ बन जाएंगी, फिर एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारे थ्री फंदे हैं चोटी वाले, वो छोड़ के दूसरी जिग चेक वाला छोटी वाला फंदा, फर्स्ट फंदा हमें बुनना है। तो मैं आपको ये रो भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। हम आगे पे बैक साइड में भी ऐसा ही करेंगे। जैसे ये हमारी चोटी है, ये तीन फंदे छोड़ के ये नेक्स्ट वाला फंदा के अंदर से हम इसको पहले बुनेंगे, ठीक है, इन ये फंदे बाद में बुने जाएंगे और ये पहला, ये फोर्थ वाला फंदा पहले बुना जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।